मैं भी अरविंद केजरीवाल जी का ही चुनाव आती हूँ, तो अगर मैं जब बात बोलूंगा वो अरविंद केजरीवाल ही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होगा भाई साहब। बहुत शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि सर ने और भी जवाब देने होंगे। देवस्थानम बोर्ड चार मेन मंदिरों को असर करता है और उसके साथ में और जो जुड़े हुए मंदिर है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके चारों के ना भौगोलिक परिस्थिति, वहां पे पूजा कराने के तरीके थोड़ा थोड़ा फर्क है उनमें। अब मैं अगर 100 साल 150 साल पहले जाऊं, जब सड़कें नहीं होती थी, जब पुल नहीं होते थे, जब रास्ते में रहने की जगह नहीं होती थी, तब इन मंदिरों के तीर्थ पुरोहित नीचे आते थे, हरिद्वार और हरिद्वार से भी और नीचे प्लेन के इलाके में, और अपने जजमानों को अपने साथ एक गाइड की तरह ऊपर लेके जाते थे। बीच में चट्टियां होती थी, उसमें आग लगाते थे, लकड़ी जलाते थे रात को अपने तीर्थ पुरोहितों को, ताकि बचा सके जानवरों के हमले से। जहां पे पुल नहीं होते थे, नदियां होती थी, वहां पे उन्हें पार कराते थे। साथ में ऊपर से अपने गांव से राशन लेके आते थे, बीच में इनको भोजन खिलाते थे। जब मंदिर में जाते थे तो उनके दर्शन कराए, भगवान जी से मिलवाया, और उसके बाद कोई दान भी नहीं लेते थे और तीर्थ पुरोहित वापस अपने जजमानों को भेजते थे। शीतकाल के टाइम पे तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों के गांव में, शहरों में, इलाकों में जाते थे, उनके घर में रहते थे, वहां उन्हें दान दक्षिणा मिलती थी, और एक बड़ा अच्छा माहौल होता था। क्योंकि मैंने केदारनाथ में इन तीर्थ पुरोहितों के घर बनाए आपदा टूटने के बाद, तो इनके पास मौका था, सरकार बनवानी थी घर, कि घर का डिजाइन इस प्रकार से हो कि तीर्थ पुरोहितों को आसानी रहे। उन्होंने अपनी आसानी छोड़ करके अपने जजमानों के लिए कैसे सुविधा दी जाए उस प्रकार के घर के डिजाइन बनवाए, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करा है, मेरे को फिजिकली पता है वो। आज अगर इतनी बड़ी एक तरतीब थी, ये एक आध्यात्मिक तरतीब थी, धार्मिक तरतीब थी, तो देवस्थानम बोर्ड को अचानक आने की क्यों जरूरत पड़ गई? इससे पहले बीकेटीसी बद्री केदार टेम्पल कमिटी होती थी, एक बोर्ड और बनाने की कोशिश करी थी देवस्थानम बोर्ड से पहले, अचानक उसे स्क्रैप कर दिया, देवस्थानम बोर्ड बन गया। तीर्थ पुरोहितों की यह हालत है कि मतलब खून से, अपने खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को। पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको ऊपर केदारनाथ में घुसने ही नहीं दिया, धाम के अंदर नहीं घुसने दिया। मेरे को लगता है कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस उत्तराखंड में, यहाँ पे की देवी देवताओं में शिवालय का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, अगर केदार बाबा ने यहाँ नहीं घुसने दिया तो क्या उनकी कभी हिम्मत होगी किसी मंदिर में जा सके? तो देवस्थानम बोर्ड इतने गलत तरीके से जो बनाया गया, आज पूरे समाज में उसने ना एक अलग ही असर डाल दिया है। हमारी यात्राओं का इन तीर्थ पुरोहितों के पूजा से, इन स्थानों से कहीं ना कहीं कनेक्शन था, हमारी रोजगार बहुत बड़ा संबंधित था इससे, सबका सब रुक रखा है। तीर्थ पुरोहितों को हर बार बोला जा रहा है कि हम देवस्थानम बोर्ड बदली कर रहे हैं, अब फिर उन्होंने एक डेट दे रखी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देवस्थानम बोर्ड तो 100% ट्रैप होना चाहिए। आज जैसे भी ट्रांसपेरेंसी का, आज जैसे भी दूसरों को और लीनियंट होने का हमारा तरीका है सरकार का, तो फिर देवस्थानम बोर्ड क्यों जबरदस्ती बना के इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा सिस्टम।